हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम यूएन के अंग न्यास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में बताया था कि यूएन के 6 अंग हैं। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 न्यास परिषद, नंबर 4 सचिवालय, नंबर 5 आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाले वीडियोज में हमने महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में चर्चा कर ली है। आज के इस वीडियो में हम यूएन के अंग न्यास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यास परिषद की स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गई थी जहां द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यूएन चार्टर में न्यास पद्धति के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, और वो उद्देश्य कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, नंबर 2 लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना, नंबर 3 जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, और उनमें ये भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, और नंबर 4 सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में यूएन के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। दोस्तों, एक बार उद्देश्यों को हम पुनः दोहरा लेते हैं। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, दूसरा है लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना। दोस्तों, तीसरा है जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, और उनमें ये भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। और चौथा है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में यूएन के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। दोस्तों, यूएन ने राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। दोस्तों, न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत ये था कि इस समय अर्थात द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद कुछ पिछड़े हुए, अल्पविकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें और अपने भाग्य विधाता बन सकें। इन्हें दूसरे विकसित और उन्नत देशों की सहायता अपेक्षित है। सभ्य देशों का यह दायित्व है कि उनके विकास में पूरी सहायता दें, और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनकी और इनके हितों की देखभाल इन्हें न्यास या मानद समझते हुए करें। दोस्तों, ये सब कार्य जो हैं वो यूएन के नियंत्रण में थे। दोस्तों, राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था केवल जर्मनी, टर्की आदि के साम्राज्यवाद से पीड़ित हुए प्रदेशों के लिए थी, लेकिन यूएन की न्यास पद्धति का जो क्षेत्र था वो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा प्राधीन बनाए गए सभी क्षेत्रों के लिए था। दोस्तों, न्यास पद्धति के अंतर्गत 11 प्रदेश थे, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1994 में अंतिम न्यास क्षेत्र जो था पलाऊ, वो भी स्वतंत्र हो चुका है, और प्लाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। दोस्तों, प्लाऊ में सुरक्षा परिषद द्वारा न्याय समझौता समाप्त किए जाने के पश्चात 1 नवंबर 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिए, फिर भी इसे विघटित नहीं किया गया है। दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में न्यास परिषद को भूमंडलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली के न्यास के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि न्यास परिषद का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अब उसकी सदस्यता घट गई है,
तथा उसमें अब सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। उसने अपने प्रक्रिया नियमों में संशोधन कर लिया है ताकि जब भी जहां आवश्यकता हो तब उसकी बैठक की जा सके। तो मित्रों, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा न्यास परिषद के बारे में। मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है न्यास परिषद के उद्देश्यों के बारे में, न्यास परिषद के इतिहास के बारे में, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम न्यास क्षेत्र कौन सा था जो 94 में स्वतंत्र हुआ। तो आपको ध्यान रखना है प्लाऊ था जो 94 में स्वतंत्र हो गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ का वह कौन सा अंग है जिसके पास वर्तमान में कोई यथेष्ट कार्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है न्यास परिषद। तो दोस्तों, हमें यूएनओ के जो अंग हैं 6, उन सभी 6 अंगों के बारे में अध्ययन करना है। हमने 3 अंगों के बारे में अध्ययन कर लिया है, महासभा, सुरक्षा परिषद और न्यास परिषद। आगे के वीडियो में हम अन्य जो अंग बच गए हैं उन अंगों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये जो भी वीडियो हैं इन वीडियो को हमें क्रम से देखना है ताकि हर वीडियो का जो टॉपिक है या कोई भी टॉपिक अपन जो पढ़ा रहे हैं उनको आप आसानी से समझ पाओ। दोस्तों, छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो यूएनओ में आपसे पूछे जा सकते हैं और कई बार कंपिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन यूएनओ से आते हैं। जैसे छोटा सा प्रश्न है जो आपसे पूछा जाए कि यूएनओ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान देना है 193। आपसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ का जो चार्टर है वो कब लागू हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं और कितने अनुच्छेद हैं, तो आपको ध्यान रखना है 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं, तो हमें ध्यान रखना है यूएनओ के 6 अंग हैं। कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ का जो बजट है वो कौन पारित करती है, तो आपको ध्यान रखना महासभा। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद को किसने दुनिया का पुलिसमैन कहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि डेविड कुस्मैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। तो सारे अंग जो हैं यूएनओ के 6 के 6 अंग, इन 6 के 6 अंगों में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को हमें ध्यान में रखना है। और आपसे कोई बड़ा प्रश्न बना के भी पूछ सकता है कि यूएनओ के अंगों के बारे में विस्तार से विवेचना कीजिए, तो 6 के 6 अंगों के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये आशा करता हूँ कि महासभा, सुरक्षा परिषद और न्यास परिषद के बारे में आप अच्छी तरह जान गए होंगे। अगले वीडियो में हम यूएनओ के अन्य जो अंग हैं उन अंगों की चर्चा करेंगे।